अब आयकर विभाग के पास अप्रैल से सितंबर तक के आय का अनुमान और टैक्स देनदारी की जानकारी कंपनियों और करदाताओं को देनी होगी। ये उन कंपनियों और करदाताओं पर लागू होगा जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना है। इसके लिए 15 नवंबर की तारीख तय की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आय और एडवांस टैक्स की जानकारी देने के लिए फॉर्म 28A भरने पर संबद्ध पक्षों से राय मांगी गई है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले एडवांस टैक्स में कमी होने की स्थिति में कंपनियों को उसका कारण भी बताना पड़ेगा। इस जानकारी से आयकर विभाग को किसी कंपनी के आमदनी के रुझान को समझने में मदद मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले कुल आय में 5 लाख रुपए या 10% से ज्यादा की कमी होने पर करदाताओं को अप्रैल से दिसंबर की जानकारी 31 जनवरी तक देनी होगी। अभी करदाताओं को पूरे वित्त वर्ष के आयकर पर एडवांस टैक्स CBDT के पास जमा कराना होता है। ये 4 किश्तों में 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर और 15 मार्च को जमा कराया जाता है। उन्हें अनुमानित आय की जानकारी नहीं देनी होती। फंसे कर्जों के बोझ से दबे सरकारी बैंकों से मिलने वाले एडवांस टैक्स की वृद्धि दर कम हुई है। जुलाई सितंबर तिमाही में मुंबई में सरकारी बैंकों के कुल 69,000 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स मिला। पिछले साल की समीक्षाधीन तिमाही की तुलना में ये 10.64% ज्यादा है। इस वृद्धि दर से असंतुष्ट आयकर विभाग ने अफसरों को कंपनियों की अगली तिमाही में नतीजों पर नजर रखने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।